हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द परफेक्ट प्लेट। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको देने वाली हूँ रेसिपी ऑफ पास्ता। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए एंड आल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 2 बड़ी कटोरी पास्ता। आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और इसको बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है पानी। अब पानी में एक बॉईल आ जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे पास्ता। एंड ऑल्सो पानी में आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए एंड थोड़ा सा घी या ऑयल, जो भी आप ऐड करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ क्योंकि अपना पास्ता फिर चिपकेगा नहीं। सो हमारे पानी में बॉईल आ चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता। पास्ता डालने के बाद इसको आप अच्छे से एक बार हिला दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, अब इसको छानेंगे। पास्ते को स्ट्रेन करने के बाद इसे मैंने एक बार ठंडे पानी से धो लिया है। फ्रेंड्स, अब कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे घी। सो फ्रेंड्स, आप घी की जगह कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे जीरा एंड सरसों के दाने। फिर इसमें डालेंगे प्याज को चॉप किया। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक एंड लहसुन, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको लिटिल बिट गोल्डन कलर का होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर डालने के बाद उसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। एक चम्मच डालना है आपको कोरिएंडर पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर एंड एक चम्मच सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए एंड प्लस चाट मसाला। फिर इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, अच्छे से फैला दीजिए। फिर आप इसमें डालना थोड़ा सा टोमेटो केचप। अब इसमें ऐड करेंगे पास्ता। पास्ता डालने के बाद इसको आप 2 मिनट तक थोड़ा सा पका लीजिए। सो फ्रेंड्स, पास्ता बिल्कुल रेडी है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया।